नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम सचिन और मैं आपका एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल ब्रिलियंट क्लासेस में स्वागत करता हूं। तो कल हमने 3.3 का भाग 3 तक हल किया था, आज भाग नंबर 4 देखेंगे। यहां पर 0.2x + 0.3y = 1.3 और यहां पर 0.4x + 0.5y = 2.3 आपको समीकरण 1 और समीकरण नंबर 2 मिला है। तो ज्यादा टफ सवाल नहीं है, तो आपको सबसे पहला काम क्या करना है, इसके पॉइंटों को हटाना है, यानी इसके जो पॉइंट लगे हुए हैं इसको कैंसिल करना है। तो कैसे करेंगे, ध्यान से देखें। जो समीकरण नंबर 1, इसको पॉइंट हटा दिया तो यहाँ पर क्या होगा, 2x भाग में पॉइंट के पीछे एक नंबर है तो एक जीरो लगेगी, ठीक है। प्लस में यहाँ पर क्या होगा, सॉरी यहाँ पर होगा 3y भाग में पॉइंट के पास है एक अक्षर है तो एक जीरो साथ रखेंगे। उसी प्रकार यहाँ पर 1.3 का पॉइंट हटा तो 13/10 आएगा। उसी प्रकार यहाँ पर 4x भाग में 10, यहाँ पर मैं इसका पॉइंट को हटा रहा हूँ दशमलव को, बराबर 23/10। तो अब क्या करना है आपको, यहाँ पर एलसीएम लेके चलना है। यहाँ पर एलसीएम लेंगे इसका 10 आएगा, ठीक है, क्योंकि दोनों क्या है नीचे सेम है। अगर नीचे सेम है तो ऊपर वाले भी हम सेम रखते हैं, क्योंकि 10 से 10 को भाग दिया एक, एक के गुणा दो के साथ 2x + 3y बराबर में क्या होगा 13/10। अब ये 10 कहाँ जाएगा, गुणा में, और 10 से 10 कैंसिल होगा तो आपको यहाँ पर 2x प्लस का 3y बराबर में 13 आपको मिलेगा। उसी प्रकार हम यहाँ पर एलसीएम करेंगे, एलसीएम लेने के बाद यहाँ पर नीचे 10 और ऊपर क्या बचेगा 4x प्लस में 5y बराबर 23/10। ये 10 जाएगा गुणा में, गुणा से क्या होगा भाग वाला कैंसिल, तो यहाँ पर आपको समीकरण नंबर 2 मिलेगा 4x प्लस 5y बराबर में 23। ये क्या है समीकरण नंबर 1 और ये क्या है समीकरण नंबर 2 आपको तैयार मिला है। अब वही काम करना है दोस्तों। तो यहाँ पर आपका पहला काम है इस सवाल में कि समीकरण नंबर 1 में से x का मान ज्ञात करें। प्रतिस्थापन विधि का ये पहला रूल है कि जो समीकरण नंबर 1 दिया है 2x प्लस का 3y बराबर में 13, इसमें से क्या करना आपको x का मान ज्ञात करना है। तो यहाँ पर x का मान क्या होगा, यहाँ पर x का मान होगा 3y को उस तरफ लेके जाएंगे तो माइनस का होगा 3y, और 2 और x के बीच में गुणा है तो उस तरफ जाने पर होगा भाग का। तो यहाँ पर जो x का मान होगा वो क्या है, समीकरण नंबर 3 कहलाएगा। तो अब जैसे आपको x का मान पता चला तो उसके बाद आपको लेना है कि जो x का मान आपने निकाला है यहाँ पर जो समीकरण नंबर 3 बनाया है वो क्या करेंगे, समीकरण नंबर 2 में रखेंगे। और समीकरण नंबर 2 आपको पता है क्या है, 4x प्लस 5y बराबर में 23। तो यहाँ पर जहां पर भी आपको x का फॉर्म दिखे, x का मान x दिखे तो x का मान रख देंगे। तो यहाँ पर 4 ब्रैकेट में यहाँ पर क्या होगा 13 माइनस 3y भाग में 2, क्योंकि ये 4 का 4 और x का मान आपको ये मिला है, तो उसके बाद प्लस 5y बराबर में 23। अब क्या करना है, 2 को 4 से भाग देंगे तो आपको 2 मिलेगा, उसके बाद 2 को गुणा करेंगे 13 के साथ, 13 दो 26 माइनस इसकी गुणा करेंगे 6y प्लस का 5y बराबर में 23 आपको मिला है। तो जैसे ही आपको ये इक्वेशन मिलती है तो दोनों वाइयों को जोड़े या घटाएं, देखें माइनस का 6 प्लस का 5, यानी यहाँ पर माइनस का वाई मिला है, और जब 26y कहाँ जाएगा माइनस का होगा उस तरफ जाने पर 23 के पास, तो यहाँ पर वाई का मान क्या होगा माइनस का 3। तो यहाँ पर वाई का माइनस से माइनस तो वाई का मान आपको यहाँ पर प्लस का 3 मिला है। तो जैसे आपको वाई का मान पता चले तो आपको एक लाइन और बता था मैंने, उसको याद रखना है। वो लाइन है कि जो वाई का मान है, वाई का मान उसको क्या करना आपको, समीकरण नंबर जो 3 दिया है, समीकरण नंबर 3 में रखने पर। तो जैसे वाई का मान मिले हैं उसके बाद वाई का मान समीकरण नंबर 3 में रखो, और समीकरण नंबर 3 आपके पास है 13 माइनस 3y भाग में 2, तो ये क्या है एक्स का मान होगा। तो जैसे 13 माइनस 3 गुणा में वाई का मान यहाँ पर 3 है भाग में 2, तो यानी 13 माइनस 3 किया 9 भाग में 2, यानी कि 4/2, 2 से 4 कैंसिल होगा तो क्या आएगा 2, यानी x का मान आपको 2 मिला है और y का मान आपको 3 मिला है। तो आपको यही दोनों चरों के मान ज्ञात करने थे, x का मान 2 और y का मान 3। तो अगले भाग नंबर 5 आपको मिला है, वर्गमूल 2x प्लस वर्गमूल 3y बराबर में 0, वर्गमूल 3x माइनस वर्गमूल 8y बराबर में 0। तो यहाँ पर वर्गमूल है, घबराने की कोई जरूरत नहीं, बिल्कुल ही आसान प्रश्न है, तो इसको देखते हैं कैसे ज्ञात करेंगे। आपको वही काम करना है जो पहली लाइन है कि जो आपको समीकरण नंबर 1 दिया गया है, समीकरण नंबर 1 में से क्या करेंगे आप, एक्स का मान ज्ञात करना है, ठीक है, मान ज्ञात करें।
करने पर, एक्स का मान ज्ञात करने पर, तो जैसे आपको समीकरण नंबर 1 लिखकर एक्स का मान ज्ञात किया 3y = 0, तो यहाँ पर एक्स का मान क्या आएगा, तो ये माइनस का √3y उस तरफ जाएगा, तो सॉरी प्लस का √3 उस तरफ जाएगा, तो माइनस का √3y, और √2 यहाँ पर गुणा के अंदर है एक्स के साथ, तो उस तरफ भाग के में होगा, तो यहाँ पर एक्स का मान क्या आया है, माइनस √3 वाई बटा में √2, ये समीकरण नंबर क्या कहलाएगा, 3 कहलाएगा। उसके बाद जो दूसरी लाइन आपको याद रखनी, हर एक प्रश्न में आपको जो 3 लाइन बताई है उसका मतलब वो याद रख कर पुट करनी होगी। तो अगली लाइन थी कि जो एक्स का मान आपको मिलता है, एक्स का मान क्या करेंगे, समीकरण नंबर 2 में रखेंगे, 2 में रखने पर, तो समीकरण नंबर 2 आपको पता है √3x - √8y = 0, तो जहां पर भी आपको एक्स दिखे तो आप ये मान रखेंगे, तो √3 रखा ब्रैकेट, एक्स का मान है −√3y / √2 − 8y = 0। तो अब ध्यान से देखें कि 3 की गुणा आप क्या करेंगे, −√3 के साथ, तो आपको −3 मिलेगा, और वाई है नीचे भाग में √2 − √8y = 0। अब आपको क्या करना है, एलसीएम लेना है यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर डिवाइड में है, यहाँ पर डिवाइड में नहीं है, तो जैसे ही आपने एलसीएम लिया आपको मिला √2, तो √2 मिला है, अब क्या करेंगे, −3y की गुणा 1 के साथ करेंगे, तो −3 √ सॉरी यहाँ पर क्या आएगा, −3y आएगा माइनस का, अब इन दोनों की गुणा करेंगे, हर पर गुणा करनी है, तो √8 के और √2 यानी कि 8 × 16, तो √16y = 0। अब नीचे जो √2 है ये गुणा में 0 के क्या होगा, 0 होगा, तो आपको यहाँ पर मिला है −3y, और सिंबल है माइनस का, और वर्गमूल जो 16 दिया है वो √16 है 4 के बराबर, और y को y रखेंगे बराबर में 0, तो यहाँ पर आपको दोनों को जोड़ने पर −7y = 0, और आपको y का मान क्या मिला है, इस तरफ जाने पर भाग में होगा, तो आपको y का मान 0 मिला है, ठीक है। अब जैसे आपको y का मान 0 मिले, तो आपको क्या करना होगा कि जो y का मान है, y का मान आप क्या करेंगे, समीकरण नंबर 3 में रखेंगे, समीकरण नंबर 3 में रखने पर, तो जैसे आपको y का मान मिले, तो समीकरण नंबर 3 आपको मिला है −√3y / √2, तो −√3 × y का मान 0 है, 0 रखेंगे भाग में √2, तो इन दोनों की गुणा करने पर आपको 0√2, यानी कि यहाँ पर भी x का मान क्या होगा, 0, और यहाँ पर y का मान क्या होगा, 0, तो दोनों चरों का मान यहाँ पर आपको 0 मिलेगा। तो जब भी किसी भी प्रश्न के अंदर आपको प्रतिस्थापन विधि का यूज करने के लिए बोला जाए, तो 3 लाइन में पहली की समीकरण नंबर 1 में से एक्स का मान ज्ञात करें, दूसरी एक्स का मान समीकरण नंबर 2 में रखें, और तीसरी जो वाई का मान है वो क्या होगा, समीकरण नंबर 3 यानी एक्स के मान में रख दें, तो आपको क्या मिलेगा, एक्स और वाई का मान। तो आगे हम भाग नंबर 6 हल करेंगे, तो बहुत ही आसान है, जो हमने पहले जो सम किए थे उसी प्रकार ये सम है, तो अगर आपको सही प्रकार से समीकरण नहीं दिया जाता, भिन्न में दिया जाता है, तो पहले उसको एलसीएम लेकर उसको सही तरीके से ले, यानी 3 × 6 आर पार गुणा करने पर आपको 9x - 10y मिलेगा बराबर में −2, और ये 6 उस तरफ जाने पर होगा गुणा में, तो इसलिए क्या होगा, ये 9x + −10y = −12। तो अब क्या करेंगे, 3 × 6 आर पार गुणा करने पर 2x + 3y = 13/6 है, तो भाग की जगह गुणा आपको क्या मिलेगा, 2x + 3y = 13, समीकरण नंबर 2। तो आपको आपका पहला काम है, जैसे आपको समीकरण नंबर 1 और 2 तैयार मिलेगा, तो आपको लिखना है कि जो समीकरण नंबर 1 है उसमें से आप एक्स का मान ज्ञात करें, तो जैसे ही समीकरण नंबर 1 में से मैंने एक्स का मान ज्ञात किया, तो पहले 10y को इस तरफ लेके गया प्लस का, फिर 9 और एक्स के बीच में गुणा है, तो यहाँ पर भाग, तो जो एक्स का मान होगा उसे हम समीकरण नंबर 3 रखेंगे, तो उसके बाद क्या करना है, इसका जो मान निकला है उसको समीकरण नंबर 2 में रखेंगे, तो ये समीकरण नंबर 2 है, तो इसको क्या करेंगे, 2 का 2 रखेंगे, और एक्स का मान जो मिला है उसको एक्स की जगह रखेंगे, +3y = 13 यहाँ पर पीछे रखेंगे, तो अब 2 की गुणा 12 के साथ और 2 की गुणा 10 के साथ करने पर आपको 24 और 20 मिलेगा, प्लस में 3y = 13,
तो यहाँ पर नीचे 9 है, यहाँ पर नीचे 1 रखकर इसका एलसीएम निकालेंगे, 9 एकम 9 और आर पार गुणा करेंगे, तो जैसे 24 माइनस 20 वाई की 1 के साथ, तो माइनस का 24 प्लस 20 वाई वैसे, प्लस का प्लस और 9 की 3 के साथ, 9 तिया 27 वाई यहाँ पर रखेंगे बराबर में, यहाँ पर 9 भाग में इस तरफ होगा गुणा में, तो आपको यहाँ पर माइनस का 24 प्लस 20 वाई और 27 वाई 47 वाई बराबर में 117, 13 नीम 117 होगा। और बाद में क्या करना है आपने, ये जो 24 है इसको हम 117 की तरफ लेके जाएंगे, तो 47 वाई बराबर में 117 प्लस 24, इन दोनों को जोड़ने पर 141 मिलेगा। और जैसे ही आपको 47 उस तरफ लेके गए, तो वाई का मान क्या आएगा आपको 3, क्योंकि 47 या 141 होता है, तो वाई का मान जैसे 3 मिला, तो आपको क्या करना होगा, y का जो मान निकला है उसको समीकरण नंबर 3 में रखेंगे, और समीकरण नंबर 3 कौन सा था, जो x का हमने मान निकाला था, तो जहां पर y मिले वहां पर y का मान रखेंगे, 10 या 30 माइनस का 12, यानी 30 में से 12 गए 18, और जैसे 9 से भाग देने पर आपको क्या मिलेगा 2, तो x का मान 2 और y का मान 3। तो बिल्कुल ही आसान क्वेश्चन है दोस्तों, और साथ ही इम्पोर्टेंट है, अगर वीडियो आपको अच्छी लगे तो इसे लाइक शेयर और कमेंट करें, हमारे चैनल पर नए तो प्लीज सब्सक्राइब करें, धन्यवाद।